हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन फ्रेंच। ओके, सो अगर इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में आपको नहीं पता है कि व्हाट यू मीन बाय इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन इंग्लिश, मैं थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। इंग्लिश में हमारे पास वी यूज ए एन एन एज द आर्टिकल्स फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, अ हाउस, अ पेन, एन आई। सो डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट, सेम वे में हमारा फ्रेंच में भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होंगे। फ्रेंच में हमारे तीन टाइप के डिफरेंट इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज अ, देन वी हैव यून, देन वी हैव दे। ओके, और ये क्या क्या कहाँ कहाँ पे कैसे यूज होगा इसको समझते हैं थोड़ा। सो वी विल गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने डेफिनेट आर्टिकल्स की बात की, उसमें मैंने ये भी बताया कि हर एक नाउन का एक स्पेसिफिक जेंडर होता है, अदर इट्स मैस्कुलिन और फेमिनिन, उस हिसाब से ही हमारा डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। ऑल्सो सेम गोज विद इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, हमारा जो मैस्कुलिन नाउन्स के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल है दैट विल बी अ, ओके, यू एन अ। फेमिनिन नाउन्स के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल आ जाता है यून। ओके, सो द थिंग इज यू विल हैव टू लर्न कि कौन से नाउन्स मैस्कुलिन होते हैं, कौन से नाउन्स फेमिनिन होते हैं। बट अगर आपने वो याद कर लिया, आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दोनों उसके साथ लिंक करके याद होने लग जाएंगे। सो मेक श्योर टू लर्न द नाउन्स। मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ दैट यू ऑलवेज लर्न अ नाउन विद इट्स डेफिनेट आर्टिकल, जिससे आपको उसके जेंडर्स का भी पता चलता रहे। तो ये तो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो गए फॉर सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आमी, अब इसका मतलब होता है अ फ्रेंड। अब इसमें अगर वो फ्रेंड तो मेल है, देन वी विल यूज अ आमी। ठीक है, लेकिन अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंड हु इज फीमेल, उस केस में हमारा स्पेलिंग चेंज होता है फ्रेंच में, एंड दैट इज आमी। बट उसके सामने हमारा आ जाएगा इनडेफिनेट आर्टिकल यून। ओके, सो दिस ऑल्सो मीन्स अ फ्रेंड, बट इन दिस केस द फ्रेंड दैट वी आर रेफरिंग टू इज फेमिनिन। ठीक है, अब इसी वर्ड को लेकर हम उसका प्लूरल की बात करते हैं कि अगर हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स तो उस केस में हम इनडेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज करेंगे। सो दोनों केस में हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल सेम होगा, विच इज डी ई एस। इसको हम प्रनाउंस करते हैं दे, दे जामी। ओके, एंड ऑब्वियसली एस आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। इसमें भी पीछे हम एस तो ऐड करेंगे ही क्योंकि ये प्लूरल है। सो प्लूरल के लिए हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल दोनों का सेम आ जाएगा, देजामी और देजामी। ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोनंसिएशन ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रोनंसिएशन प्रॉपर करो। अगर प्रोनंसिएशन गलत होगी ना तो आपका कंटेक्स्ट के हिसाब से वो पूरा स्ट्रक्चर ही गलत हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस द इंडेफिनेट आर्टिकल्स प्रॉपरली। सो पहले मैस्कुलिन इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं हम, दिस इज प्रनाउंस एज अ। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें ये ऐसे प्रनाउंस होगा अ। के आई विल टेक सम एग्जांपल्स आफ्टर दिस स्लाइड, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, इट विल बी प्रनाउंस एज अ। दिस विल बी प्रनाउंस एज यून। ओके, यून, यून, ये कुछ आपको ऐसा साउंड करेगा हिंदी में, यून। ओके, एंड दिस विल बी प्रनाउंस एज दे, दे। अब इसमें हमारी एक कंडीशन आएगी जो है लिएजन रूल की कंडीशन। आपने अगेन, आपको पिछली वीडियो में ये लिएजन रूल पता चल जाएगा। देखो जी, ये लिएजन रूल में ना हमारा पीछे वाला एस प्रनाउंस होगा एज अ ज, लेकिन वो हम आगे एग्जांपल्स देते हुए और बात करेंगे उसके बारे में। सो पहले प्रोनंसिएशन को आप याद कर लीजिए, अ, यून, दे। अब लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ मैस्कुलिन इनडेफिनेट आर्टिकल विच इज अ। जो यहाँ पे ये मैंने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, दे ऑल आर मैस्कुलिन, और इन सब के आगे अ लग रहा है, तो हम इसकी साथ साथ इसका मतलब भी समझेंगे और हम इसको प्रोनाउंस भी करेंगे। फर्स्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की, अ आमी मीन्स फ्रेंड। ठीक है, सेकेंड वन इज अ बी ए विच इज अ टिकट। द थर्ड वन इज अ नोटेल, अ नोटेल, ओके, अ होटल, एंड देन अ जर्दन विच मीन्स अ गार्डन। Then we also have a salon, a living room. Then we have un livre, a book. अब वो book को, book पे कुछ लिखने के लिए हमें pen तो चाहिए होता है, so we have un stylo as well, which is a pen. So ये है हमारे masculine. See, make sure ये जो a है ये always हमारा nasal pronounce होगा, so a voice बनेगी, un मत बोलना इसको, un मत बोलना, a रहेगा ये हमेशा, सो दैट विल बी अवर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ। ओके, दूसरा हमारा आ जाता है यून।
अब देखो इसमें हमेशा यू आएगा, ठीक है, सो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज यून। इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओके, सो हमारी इस स्लाइड में ये कुछ वर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज यून आमी। ओके, यून आमी, इसका मतलब ऑब्वियसली अ फ्रेंड, जो कि फेमिनिन है, अ फ्रेंड। देन वी हैव यून बिब्लियोटेक, इसका मतलब होता है अ लाइब्रेरी। देन वी हैव यून मैह, अगर ये आपने नहीं सुना हुआ इसका मतलब है अ मदर। यून वालीस, ये है अ सूटकेस। यून वी, ये है अ सिटी। एंड वी हैव यून मेजों, अब सिटी में हमेशा घर तो होते हैं, सो दिस इज अ हाउस। ओके, सो इसको मेक श्योर टू प्रोनाउंस इट एज यून। ये होगी हमारी फेमिनिन इनडेफिनेट आर्टिकल की प्रोनाउंसिएशन। लास्ट में हमारा आ जाता है डे। अब डे की प्रोनंसिएशन थोड़ी आपको ट्रिकी लग सकती है, बट इफ यू फॉलो द लिएजन रूल, जहां जहां पे वो यूज होगा तो बहुत इजी होगा। नॉर्मली तो ये हम एज अ डे ही प्रोनाउंस करेंगे, जैसे मैंने बोला डे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैस्कुलिन, डे बी ए। ओके, डे बी ए, ये हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। फेमिनिन के केस में डे मेजों, ठीक है, हमारे पास मेजों फेमिनिन होता है, ये मैस्कुलिन होता है, बट स्टिल प्रोनंसिएशन सेम रह रही है। हाउएवर नाउ वी हैव अ लियाजन रूल। लियाजन रूल में क्या होता है, एक बार फिर से हम रिवीजन करवाएंगे। अगर दो वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड एंड हो रहा है एस, जेड या एक्स से, और दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है किसी भी वॉवल से या फिर एच से, उस केस में हमारा ये दोनों के बीच की प्रोनंसिएशन एज अ ज प्रोनाउंस होती है, ठीक है। सो पे जो हमने एग्जांपल ली, इसको हम डेजामी प्रोनाउंस करेंगे, ये इकट्ठा एक यूनिट बन जाता है एंड इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ज। नॉट ओनली वॉवल्स, वी आल्सो हैव एच। सो अगर हमारे पास ये एग्जांपल हुई सम होटल्स, ओके, प्लुरैलिटी में सम होटल्स, दिस विल बी डेजोटेल, डेजोटेल। ओके, सो दिस विल बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डे। सो दिस विल बी द लेक्चर ऑन अ, इन एंड दे, जो है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन फ्रेंच। आगे हम और बात करेंगे कि किस कंटेक्स्ट में ये कैसे यूज हो रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।